नमस्कार दोस्तों, मैं देवमणि तिवारी चंदा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब लाइव चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस समय हम लोग प्रश्नाभ्यास कर रहे हैं, पुराने प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्नों को और कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम परिचर्चा यहाँ पर आपके समक्ष कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम केवल प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न पर ही चर्चा नहीं करते हैं, हम प्रश्नों के उस बिंदु पर समस्त चर्चा करते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक है। अतः आपको यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कब हम कौन सी परिचर्चा कर दें और वहाँ से कौन सा प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में आ जाए। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें जरूर, तभी जिससे कि आपके दोस्तों को भी उसका फ़ायदा जरूर मिले। तो आइए दोस्तों, सीधे प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन से हैं, कौन सा है निम्न में से दीर्घ स्वर। चार विकल्प हैं आपके समक्ष, आ, ए, ओ और ए। आ, ए, ओ और ए चार विकल्प हैं। तो दोस्तों को जैसा कि पता है कि दो समान स्वर जब आपस में मिलते हैं तो एक दीर्घ स्वर बनाता है, और जब दो असमान स्वर आपस में मिलते हैं तो एक संयुक्त स्वर बनाता है। तो ए, ओ और ए ये संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि इनका निर्माण, ए का निर्माण ह्रस्व आ या दीर्घ आ के साथ ह्रस्व ई या दीर्घ ई के मिलने से हुआ है। ओ का निर्माण ह्रस्व आ या दीर्घ आ के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ से मिलने को मिलकर के हुआ है, और ए का निर्माण ह्रस्व आ या दीर्घ आ के साथ ए के मिलने से हुआ है। अतः इस कारण से ये तीनों क्या हो गए, आपके संयुक्त स्वर हो गए, और समान स्वर ह्रस्व आ के साथ ह्रस्व आ का मेल होने से यहाँ पर दीर्घ आ बना है। अतः दीर्घ आ क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखें अगला। चलें, निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। दोस्तों, अंत्यस्थ व्यंजन का मतलब है कि पूर्णतः स्पष्ट ना हो जाना, पूर्णतः स्पर्श ना कर पाना, ठीक है, यानी वह अपने बिंदु तक पूर्णतः स्पर्श नहीं कर पाता है, ऐसे जो वर्ण होते हैं वो दोस्तों अंत्यस्थ वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, च, ट और या दिया हुआ है यहाँ पर। तो का को आप दोस्तों जब बोलते होंगे तो देखते होंगे का में गला जो जिह्वा है उसका जो मूल भाग है वह तालु को पूरी तरह स्पर्श करता है। तो जिह्वा का मूल भाग है कंठ के स्थल से, कंठ के ऊपर वाले हिस्से को स्पर्श करता है, कंठ के कोमल तालु वाले हिस्से को स्पर्श करता है, इसीलिए का उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है और ये पूर्ण स्पर्शी व्यंजन है। चा आपका स्पर्श और संघर्षी व्यंजन होता है, जैसा कि दोस्तों को पता है चा का उच्चारण स्थान तालु होता है। टा आपका मूर्धन्य व्यंजन होता है और कठोर वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर तीस चौथा बजता है या के उच्चारण में आप दोस्तों देखते होंगे कि जिह्वा पूरी तरह से तालु को स्पर्श नहीं करती, केवल जा करके चली आती है, इसीलिए या को हम अंत्यस्थ व्यंजन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अंत्यस्थ व्यंजन क्या हो जाएगा, आपका या हो जाएगा। दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि एक याद करना, कंठस्थीकरण करना एक अलग विषय और समझना अलग विषय। अगर आप वस्तु को समझ गए तो वो कभी भी नहीं भूल सकते आप, क्योंकि समझने का तरीका सबसे स्पेशल होता है। इसीलिए कुछ कठिन विषय ऐसे होते हैं जिन पर समझने की बात की जाती है। जैसा कि दोस्तों को पता है, आपको पता है कि हिंदी में दो तरह की शिक्षण विधा है। एक तो आपको मतलब हिंदी विषय को अगर पढ़ना है तो कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ती है और कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है। तो अब शब्दकोश आपको याद करना पड़ेगा समझने के साथ साथ, लेकिन सिद्धांतों को आपको केवल समझ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। दूसरा, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। त, द, भ और मा। दोस्तों महाप्राण व्यंजन का मतलब होता है जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक प्राणवायु निकले वह आपका महाप्राण वर्ण होता है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, त, द, भ और मा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि आपका जो त, द और मा के उच्चारण की अपेक्षा भ के उच्चारण में अधिक प्राणवायु का प्रयोग हो रहा है। साथ में हम ये कह सकते हैं जो नियम है कि दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है। तो त, तवर का प्रथम वर्ण है, द, त, थ, द, द तृतीय वर्ण है, भ चतुर्थ वर्ण है और मा पंचम वर्ण है। अतः भाग यहाँ पर महाप्राण वर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले आते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जरा देखिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। दोस्तों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इसमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इनमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। रूढ़ वे शब्द होते हैं दोस्तों जहां पर कि
जहाँ पर कि वर्णों को वर्णों में ये होता है, जैसे वर्ण रूढ़ का मतलब हुआ कि जहाँ पर दो वर्ण से मिलकर के शब्द बना हो लेकिन उस शब्द का खंड करने पर कोई शब्दार्थ ना आए। जैसे नाक शब्द है, नाक शब्द को अगर ना को और का को अलग अलग कर दिया है तो नाक अपना कोई अर्थ नहीं, काका अपना कोई अर्थ नहीं। घुड़सवार है और घुड़सवार को अलग अलग किया जाए तो घुड़ मतलब घोड़ा और सवार मतलब वह आदमी, तो दोनों का अर्थ आ रहा है। दूध और वाला दोनों शब्दों का अर्थ आ रहा है। लंबोदर लंब और उदर दोनों शब्दों का अर्थ आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नाक में ना और का अलग अलग शब्द, मतलब अगर नाक शब्द का हम वर्ण खंड करते हैं, शब्द खंड करते हैं या खंड करते हैं तो उनके जो खंड बनते हैं उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं आ रहा, जबकि इन तीनों का सार्थक अर्थ आ रहा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं दोस्तों वे क्या हो जाते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जिनमें शब्द समूह, दो शब्द समूह, दो सार्थक खंड आपस में जुड़े और उन दोनों का अर्थ हो और वो दोनों से जो अर्थ निकले वो उस शब्द समूह वाले ही अर्थ का बोध कराए, किसी अन्य अर्थ का बोध नहीं कराए, तब वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे दूध और वाला से दूध का ही बोध हो रहा है, दूध वाला को का बोध हो रहा है। घुड़सवार में से घुड़ और सवार दोनों का वहाँ पे लक्षण दिखाई दे रहा है, जबकि लंबोदर में केवल लंबा और उदर नहीं दिखाई दे रहा, उस पूरे व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर लंबोदर शब्द आपका योगरूढ़ शब्द हो जाएगा और दूध वाला और घुड़सवार आपका ये यौगिक शब्द हो जाएगा। तो ये चीज आपको दोस्तों ध्यान करके रखना है। इसके बाद है रत्नाकर का संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों रत्नाकर में आपने देखा कि जैसे ही आपने दीर्घ आ देखा, रत्नाकर में जैसे ही आपने दीर्घ आ देखा वैसे ही आप समझे कि यहाँ पे दीर्घ संधि है और जिस वर्ण विशेष में आप आ देख रहे हैं दोस्तों उस वर्ण विशेष से ही हमको तोड़ना है। अब रत्न रत्नाकर, रत्न में ना में हटा दिया जाए तो ना में क्या करना है आपको, ह्रस्व आ या दीर्घा में से कोई एक जोड़ना है और बाद वाला जो वर्ण समूह है कर, इसके आगे कोई ह्रस्व आ या दीर्घ आ जोड़ देते हैं। तो रत्न में अगर ना में हम ह्रस्व आ जोड़ते हैं तो रत्न बनता है, दीर्घ आ जोड़ते हैं रत्ना बनता है, तो रत्ना शब्द तो यहां पर बन नहीं पा रहा। आकर, आकर नहीं क्या हो जाएगा, आकर दीर्घ आ जुड़ा है, दीर्घ आ जुड़ा है तो यहां पर हो जाएगा आकर, अतः पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, रत्न धन आकर। परिक्रमा में उपसर्ग क्या है, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको उपसर्ग या प्रत्यय पता करना हो तो उपसर्ग यदि आपको पता करना है तो उपसर्ग में शब्द के एक एक वर्ण को निकालते हुए चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे परिक्रमा शब्द है, आपको दिखा दें दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए परिक्रमा है तो परिक्रमा में आपने पहले पा को निकाल दिया तो देखा आपने क्या शब्द बचा, क्रमा, परिक्रमा। अब रिक्रमा कोई शब्द तो है नहीं, फिर आपने री को निकाल दिया तो परि बचा और इधर क्रमा बचा। क्रमा में आपने आ को इधर हटा दिया, मान लीजिए आ को हटा दिया इधर प्रत्यय कर दिया तो आ हो गया। आप ये देख सकते हैं परि क्रम और आ, क्रम एक शब्द है सार्थक शब्द है, अतः यहाँ पर परि उपसर्ग क्रम आपका शब्द है और आ धातु लग करके परिक्रमा शब्द का आ प्रत्यय लग के परिक्रमा शब्द बना हुआ है। तो इस प्रकार से दूसरे शब्दों में भी दोस्तों आप ऐसी प्रक्रिया का निर्वहन करके शब्दों में उपसर्गों का पता कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। समझिए देखा नहीं आपने कितना आसान हमने कर दिया, ठीक है, ये आसान, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब भलाई में कह रहा है, सॉरी भलाई में प्रत्यय कौन सा है, ये प्रश्न है, प्रत्यय भलाई में प्रत्यय कौन सा है। आप देख लीजिए जिस प्रकार से हम उपसर्ग में एक एक वर्ण आगे से निकालते हैं उसी तरह से हम प्रत्ययों में एक एक वर्ण पीछे से निकालेंगे। आप देखिए भलाई, ठीक है, पहले हमने ई निकाल दिया तो क्या बना, भला धन ई। अब भला शब्द भी बनता है, ई शब्द भी बनता है, लेकिन अब मूल शब्द क्या होता है, मूल शब्द आपने कर दिया भल और इधर कर दिया आई, तो क्या बन गया, भल धन आई, ठीक है, भला धन आई, ऐसे भी बन सकता है दोस्तों, भल धन आई और भला धन आई, ऐसे शब्द भी बन सकता है। तो अब यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, आई प्रत्यय है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। निम्न में विशेषण शब्द कौन है, जब किसी भी शब्द का विशेषण पता करना हो तो करते क्या हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे चार शब्द हैं, विशेषण के साथ विशेष्य होता है, अगर कोई शब्द विशेषण है तो उसके लिए कोई ना कोई विशेष शब्द होगा ही। अब आप देखिए क्या हम बुढ़ापे के साथ, बुढ़ापा शब्द के साथ कोई संज्ञा पद जोड़ सकते हैं, बुढ़ापा के साथ कोई संज्ञा पद नहीं जोड़ सकते, अतः बुढ़ापा विशेषण नहीं हो गया। दौड़ के साथ कोई संज्ञा पद जोड़ सकते हैं, दौड़ आदमी, दौड़
राम दौड़ श्याम ऐसा तो कोई शब्द बनता नहीं, तो दौड़ भी आपका विशेषण नहीं हो गया। क्रोधित, क्रोध शब्द है यहाँ पर, क्रोध आदमी, क्रोध नर, क्रोध महिला, ऐसा शब्द बनता नहीं, शब्द समूह नहीं बनता, इसलिए क्रोध भी विशेषण नहीं होगा। अब जैसे शांत शब्द है तो क्या होता है, शांत आदमी, शांत व्यक्ति, मैंने शांत व्यक्ति से मिला, मेरा मन शांत है, शांत मन से मैंने कार्य किया। अब देख रहे हैं दोस्तों कि मन के पहले शांत है, मन संज्ञा पद है, अतः यहाँ पर शांत क्या हो गया, विशेषण हो गया। कितना आसान है विशेषण को पकड़ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक बताया तो तरीका आपको, देख लीजिए, मैं पहले ही कहा हूं, शुरुआत में ही कहा हूं कि आपको पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। पता नहीं कौन से प्रश्न पर मैं कौन सा ट्रिक आपको बता दूं जिससे कि वो आपको समझ में आ जाए वहां पर, और आपके लिए अगला आने वाला प्रश्न या आगे आने वाले प्रश्न सहज हो जाए। तो इसलिए दोस्तों आपको ये चीज ध्यान पर रखना है, वीडियो पूरा देखना है, जब वीडियो पूरा देखेंगे तभी, और लाइक करना नहीं भूलना क्योंकि मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। आइए, तो शांत आदमी, शांत मन, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, शांत आपका विशेषण पद हो जाएगा, ठीक है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक, प्रेरणा, प्रेरणा का अर्थ देने वाली जो क्रियाएं होती है प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणा का मतलब होता है कि जब हम किसी को कार्य करने की प्रेरणा दें और उससे हम वह कार्य करवाएं, तब ऐसी दशा में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे चलना, चलना सामान्य क्रिया है, पढ़ना सामान्य क्रिया है, बदलना सामान्य क्रिया है, लेकिन जगाना, जगाना मतलब हम खुद नहीं जगा रहे हैं, जगवा रहे हैं, किसी के द्वारा जगाने की क्रिया करवा रहे हैं, अतः इस दशा में जगाना क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आ का पर्यायवाची है लोचन, श्याम, आ और दक्षिण। दोस्तों पर्यायवाची शब्द यहां पूछते हैं इसलिए आपको पढ़े रहना है। लोचन आपकी यहां पर आंख की पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों। भविष्य में होने वाला, भविष्य यानी आगे आने वाले समय में जो होने वाला कार्य होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, गत, गत मतलब बीता हुआ, विगत मतलब और बीता हुआ, आभास मतलब किसी चीज वस्तु का होने का भाव, और यहां पर आगे भविष्य में होने वाला क्या होगा, आपका भावी, भावी मतलब भविष्य में होने वाला। जड़ का विलोम क्या होता है, जड़ का मतलब होता है जिसमें प्राण ना हो, निष्प्राण वस्तु हो वह क्या होगी, जड़। अब जिसमें प्राण वस्तु हो वह क्या होगा, चेतन। तो जड़ का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, चेतन हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है चीजों को समझना, ठीक है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आपको ले चले। शब्द युग में हमेशा ध्यान करिएगा दोस्तों, दोनों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। शब्द युग में क्या होना चाहिए, हमेशा आपको दोनों का अर्थ पता होना चाहिए, उसमें गड़बड़ी ना हो। अगर गड़बड़ी होगी, हमें एक का पता है दूसरे का नहीं पता है, तो हमें फिर गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हम कैसे लगाएंगे ये भी जरा ध्यान दे लीजिए। अनिल अनल, ठीक है, शब्द युग में है, ठीक है। अब अनल, हुतासन, वहीन, ये सब आग की पर्यायवाची, ठीक है। तो दूसरा उधर क्या है, आग। अब इधर क्या हो सकता है, अनिल, अनिल हवा की पर्यायवाची, अतः यहां पर क्या हो गया, हवा और आग। ये ध्यान देना दोस्तों, ये देख लीजिए, हवा और आग इसमें भी है, इसमें भी है, हवा और आग है, लेकिन इसमें उल्टा दिया हुआ है। जिस तरह से यहां शब्द युग में दिया हो, जो शब्द पहले हो वो शब्द उत्तर में पहले होना चाहिए, जो शब्द शब्द युग में बाद में हो उसका अर्थ उत्तर में बाद में होना चाहिए। ये चीज आपको दोस्तों ध्यान करके रखनी है। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है। आप देख सकते हैं अधिकार दिया है, जबकि होता क्या है, अधिकार दिया, धा में छोटी की मात्रा होती है। अनुसरण है, अनुसरण होता है, अनुसरण होता है, यानी यहां पर दंती सकार होता है। अध्ययन, अध्ययन पद बनता है। आगामी नहीं होता, आगामी होता है, दीर्घ आ का प्रयोग होता है यहां पर, अतः इसलिए यहां पर जो रूप सही होगा वह क्या होगा, अध्ययन सही होगा। निम्न पुल्लिंग शब्द कौन है और दूसरा है स्त्रीलिंग शब्द कौन है। दोस्तों प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है, प्रायः स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं और अक्सर छात्र इसमें दिग्भ्रम होकर के गलत कर देते हैं। दोस्तों इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है दोस्तों, इसके पहले भी प्रश्न पूछे गए, मैंने अपने अभ्यास प्रश्नों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग के ट्रिक का निर्वचन किया है। यहां पर मैं पुनः फिर से एक बार निर्वचन कर दे रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को कि दो चीजें हैं, दो ट्रिक है इसमें, एक तो विशेषण और एक तो क्रिया। यदि किसी शब्द के लिंग के बारे में पता करना है तो उसका हम
उसके लिए विशेषण शब्द का प्रयोग करके पता कर सकते हैं और या तो क्रियापद के का प्रयोग करके पता कर सकते हैं, क्योंकि वह जिस लिंग का होगा उसके लिए ही विशेषण, उसी लिंग वाला ही विशेषण। अगर स्त्रीलिंग का शब्द है तो उसके लिए स्त्रीलिंग का विशेषण, अगर पुल्लिंग का शब्द है तो उसके लिए पुल्लिंग का विशेषण प्रयोग किया जाता है, या पुल्लिंग का शब्द है तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग का क्रिया प्रयोग की जाती है, और अगर स्त्रीलिंग का शब्द है तो स्त्रीलिंग की क्रिया प्रयोग की जाती है। अतः यह बात आपको ध्यान पे रखना है दोस्तों, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए दया, ठीक है, दया होता है कि दया होती है, शब्द है दया, दया होती है, दया की जाती है, ठीक है। राम ने दया, दया होती है, दया की जाती है, दया होता नहीं है, ठीक है। प्रार्थना होती है, प्रार्थना हो रही है, रहा नहीं बोलते, क्या रहे, प्रार्थना हो रही है, अच्छी प्रार्थना हो रही है। वायु चल रहा है ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, वायु चल रही है। तो आप देख सकते हैं दया, प्रार्थना और वायु तीनों के लिए स्त्रीलिंग की क्रिया का प्रयोग हो रहा है, स्त्रीलिंग रूप वाली क्रिया का प्रयोग हो रहा है। अतः ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग के हो जाएंगे। और नेत्र शब्द आपका, नेत्र दुख रहा है, आंख दुख रहा है, नेत्र अच्छे हैं, इस तरह के विशेषण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अतः यहां पर पुल्लिंग शब्द क्या होगा, आपका नेत्र होगा, ना कि दया, प्रार्थना और। अगला शब्द है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, शोभा, शस्त्र, पालन या नृत्य। अब अच्छी शोभा या अच्छा शोभा, अच्छी शोभा, अच्छा शस्त्र, अच्छा पालन, अच्छा नृत्य। नृत्य कैसा है, अच्छा है, पालन अच्छा है, शस्त्र अच्छा है, लेकिन शोभा अच्छी है। अतः इस कारण से शोभा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण दोस्तों, हमेशा क्रिया के रूप को देख करके हम कर्मवाच्य का भाव जान सकते हैं। जब क्रिया के साथ किसी भी रूप का जाने वाली क्रिया का प्रयोग हो जाए, मूल क्रिया के साथ जाने वाली क्रिया यानी जाना क्रिया का रूप प्रयोग हो जाए, तो वहाँ पर यह जान लीजिए कि कर्मवाच्य है। और दूसरा कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य में आता है, यहाँ पर कर्म के अनुसार आता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, अब पढ़ता है कौन, राम, राम पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग का आ रही है, वर्तमान काल का रूप है, केवल क्रिया का मूल रूप है, अतः इसलिए कर्तृवाच्य हो गया। सीता पत्र लिखती है, यहाँ पर क्रिया का मूल रूप है और ये क्रिया का मूल रूप है, इसीलिए यहाँ पर ये भी कर्तृवाच्य हो गया। मुझसे बैठा नहीं जाता है, यहाँ पर बैठना अकर्मक क्रिया है, इसीलिए यह कैसे हो गया, भाववाच्य हो गया, क्योंकि कर बैठा नहीं, बैठना के साथ जाना क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो यह पे क्या हो गया, अकर्मक क्रिया था, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये भाववाच्य हो गया। लेकिन पत्र लिखा जाता है, लिखना मूल क्रिया के साथ जाना क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः इसलिए यहाँ पर, और साथ में पत्र है, पत्र पद है, ठीक है, अच्छा पत्र लिखा जा रहा, अच्छी पत्र नहीं बनता, अच्छा पत्र बनता है, इसीलिए राम के द्वारा अच्छा पत्र लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य होगा, क्योंकि पत्र के, पत्र पुल्लिंग शब्द है और क्रिया भी पुल्लिंग के पत्र के अनुसार पुल्लिंग का रूप लेकर के आई हुई है, और लिख मूल के साथ जाना पद का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा प्रथम। अंग अंग फूले ना समाना, फूले ना समाना, अब ज्यादा फूल होगा तो क्या होगा, प्रसन्नता ही तो होगी, तो अब अंग अंग फूले ना समाना का क्या होगा, बहुत आनंदित होना। अंग अंग फूले ना समाने का क्या अर्थ होगा, बहुत अधिक आनंदित होना। अंगारों पर पैर रखना, अंगारा जलाने का काम करते हैं, ठीक है, अब हम पैर रखेंगे तो हम जलने के लिए, मतलब खुद को अपने प्रेरित कर रहे हैं ना कि हम जलना चाहते हैं, चाहते हैं भाई जलना, क्या किया जाए, तो हम खुद जोखिम को मोल ले रहे हैं, तो ऐसे में अंगारों पर पैर रखने का होता है जोखिम मोल लेना। मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद कहलाता है, शब्दशः जैसा शब्द दिया ठीक वैसे ही उसका अनुवाद, वैसे तो टीका कहलाती है, लेकिन टीका पद यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर शब्दानुवाद विकल्प का ही चयन करेंगे, यदि टीका दिया होता तो हम वहाँ पर टीका का चयन करते। तो ठीक है दोस्तों, ये 20 प्रश्न आप सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि हम प्रोत्साहित हों और अगला वीडियो और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, नमस्कार।